भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बिलासपुर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस का जंगल राज खत्म हो चुका है और ड्रग माफिया, वन माफिया और बाकी माफियों की सरकार अब हिमाचल से जा चुकी है और अब प्रदेश में भाजपा की साफ सुथरी स्वच्छ छवि की सरकार कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से भाजपा को इस बार बड़ा फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में चारों सीटें भाजपा जीतेगी और कांग्रेस एक बार फिर से 4-0 पर रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रभारी रंजनी पाटिल भी कांग्रेस की डूबती नैया पार नहीं लगा पाएगी क्योंकि कांग्रेस में अंतर्कलह चरम सीमा पर है। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारा पूरा सामूहिक नेतृत्व और शिखर नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है। एक और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक जनहितैषी सरकार है जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा के लिए सहारा बन करके आई है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की जो सरकार 7 महीने से हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, उन दोनों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। जिस प्रकार से पिछली बार 68 में से 59 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़े थी और हम लोग चारों सीटें जीतने में सफल हुए थे और इस बार पिछले जो मार्जिन से भी अधिक वोटों से जीत करके हम हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बना करके इस देश को शिखर तक पहुंचाने के लिए, परम वैभव तक पहुंचाने के लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रात दिन काम करेगा और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को घर घर लेकर के जाएंगे और उसके आधार पर पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। अच्छा सर, जो कांग्रेस में आजकल फूट पड़ी हुई है और रजनी पाटिल जी बार बार हिमाचल का दौरा कर रही है, इससे भाजपा को क्या फायदा हो रहा है कुछ? देखिए, हम सकारात्मक राजनीति के आधार पर अपनी वोटों के लिए लोगों के पास जाएंगे। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर एक डिवाइडेड हाउस है और बटी हुई पार्टी है। उनकी हर तीसरे दिन जो है ना प्रभारी यहाँ आकर के उनको मना रही है, किसी को मंच पर लाने कर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे मंच पर बैठे हैं। तो ये ठीक है, उनका आंतरिक मामला है और वो लड़ाई बढ़ती रहे तो और अच्छी है हमारे लिए, लेकिन हम एक पॉजिटिव वोट के आधार पर, सकारात्मक राजनीति के आधार पर हम हिमाचल प्रदेश में और देश में दोबारा से पार्टी को जिताने के लिए हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता रात दिन काम करेगा और निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे। हमारी पार्टी के जो भी उम्मीदवार होंगे हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए, वो सभी जीतेंगे। रजनी पाटिल जी अपने दौरे में कह रही है कि जो आपसी मतभेद है उसको मैं सुलझा के रखूंगी और हिमाचल से चारों विधानसभा जीतेगी, ये दावा कर रही है। रजनी पाटिल हैं वो कांग्रेस पार्टी की प्रभारी हैं, उनका धर्म बनता है कि वो निश्चित तौर पर करें, लेकिन उनको वास्तविक स्थिति का पता है कि आज कांग्रेस पार्टी किस तरह से जूतों में दाल बंट रही है और सिर पटोल वाली स्थिति बनी हुई है। वीरभद्र सिंह जी कुछ और कहते हैं, सुक्खू जी कुछ और कहते हैं, उनकी पाटिल जी कुछ और कहती हैं और ये एक डिवाइडेड हाउस है, जो विभाजित हाउस है। कांग्रेस पार्टी को सारी हिमाचल प्रदेश की जनता भी देख रही है और उनके समय में जो हिमाचल प्रदेश में एक जंगल का राज यहाँ पर स्थापित हुआ था, यहाँ पर माफिया राज जो स्थापित हुआ था, वो लोगों ने देखा भी है, भुगता भी है। अब एक अच्छा शासन हिमाचल प्रदेश में आ गया है और उसके आधार पर ही प्रदेश की जनता अपना मत भी बनाएगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को अपना मत भी देगी और अपना विश्वास भी देगी और अपना वोट भी देगी, हमारा विश्वास।